हेलो गाइस, वेलकम टू एजीसीओ। आज हम ब्रदर 7300 मॉडल के पीसीबी को रिपेयर करने वाले हैं। ब्रदर 7300-A मॉडल, इस पीसीबी में पावर ही नहीं आ रही है। हमने डायरेक्ट पावर लगा के देख लिया, आप देख सकते हैं डायरेक्ट पावर हमने सीधा वायर को सोल्डर करके बोर्ड में लगाया हुआ है पावर चेक करने के लिए। पहले हम एक बार ये पावर को आपके सामने ऑन करके दिखा देते हैं कि पावर अटैच या पावर ऑन करने पे क्या हो रहा है पीसीबी पर। ये हमने प्लग लगाया इसमें, पावर इसमें पीसीबी में ऑन नहीं हुई कहीं पे भी, कुछ डिस्प्ले भी ऑन नहीं हुई है। तो हमें इसका यही फॉल्ट दूर करना है कि इसमें पावर क्यों नहीं आ रही है। ये बल्ब डायरेक्ट कैपेसिटर पे लगाने से कैपेसिटर की पावर पूरी ख़त्म हो जाती है, ताकि बाद में जब हम बोर्ड रिपेयर कर रहे हो तो हमें शॉक ना लगे। हमने डिस्चार्ज कर दिया है बोर्ड को बल्ब से। अब हम पहले जान लेते हैं बोर्ड में मेजरली ख़राब क्या होता है। सबसे पहले ये दो फ्यूज लगे हैं, ये ख़राब होते हैं। कॉइल लगी है, ये ख़राब होती है ज़्यादातर। जिसके बगल में ब्रिज है ये ख़राब होता है 80% केसेस में। एक और फ्यूज़, ये वाला फ्यूज़ ख़राब होता है। ये मॉसफेट भी ख़राब होता है ज़्यादातर 80% केसेस में। और ये पावर आईसी हम इसको बोलते हैं, ये पावर आईसी भी ख़राब होती है। और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, जिसका एड्रेस है R17, ये भी मेजरली ख़राब होता है 80% केसेस में। बोर्ड में सिर्फ यही चीज़ें ख़राब होती हैं, अगर आपको रिपेयर करते हैं तो उसको आपको सबसे पहले यही चीज़ें चेक करनी होती हैं। मेन रीज़न पावर ना आने का बोर्ड में यही रहती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे पहले हम फ्यूज़ चेक करते हैं, फ्यूज़ ओके है, फ्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं है, नो बीप साउंड। देखिए फ्यूज़ सही है। अभी मॉसफेट बीप साउंड कर रहा है और शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये शॉर्ट है मॉसफेट, इसका शॉर्ट है, इसको हम IGBT भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ हम इसकी IC चेक करने के लिए, ये IC भी शॉर्ट है। इस IC का शॉर्ट होने का मतलब ये है कि पावर IC ख़राब है हमारी, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को रिप्लेस करने पे बोर्ड हमारा चल जाएगा। सबसे पहले हम पावर IC को हटाते हैं, एक पॉइंटेड शोल्डर से इसको हटाना होता है सेफली, ताकि बोर्ड में लगे दूसरे पार्ट ख़राब ना हो। ये हमने पावर IC हटा दिया। पावर IC हटा के एक बार हम चेक कर लेते हैं MOSFET की वैल्यू, अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो मतलब हमें MOSFET भी चेंज करना पड़ेगा। MOSFET और हमारी पावर IC, इस बोर्ड में यही दोनों चीज़ें शॉर्ट निकली हैं, जो हम दोनों एक्सचेंज करने पड़ेंगे। हम ये वाला MOSFET लगा रहे हैं, एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं शॉर्ट तो नहीं है लगाने से पहले। नहीं ओके है ये। आप लोग कंपेयर कर सकते हैं पावर मल्टीमीटर पे देख के कि किसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं किसको नॉर्मल बोलते हैं। ये एकदम सही है MOSFET, हम इसको अब इसको बोर्ड में इंस्टॉल करने वाले हैं। जो 3 वोल्ट हमने इसको निकाला था, ये पीछे साइड से लगाया जाता है, ये हमने फिट कर दिया। अब इसमें हमें सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। सोल्डरिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ती है, ताकि दूसरे आइटम्स पे हमारी सोल्डरिंग ना गिरे, जिससे हमारे दूसरे पार्ट शॉर्ट ना हो जाए आपस में जुड़ के। अगर हम टेस्ट कर लेते हैं, MOSFET एकदम सही चल रही है हमारी, करेक्ट वैल्यू आ रही है। हमने MOSFET चेंज कर दिया है, तो हमें बस पावर IC और चेंज करनी बची है।
जो कि हमने पहले ही निकाल दी थी आपके सामने। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है। पावर ऐसे बहुत ज़्यादा सफाई से लगानी पड़ती है। एक्स्ट्रा सोल्डरिंग भी रिमूव करनी पड़ती है बोर्ड से, क्योंकि पावर ऐसी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे डांग वाली होती है, वो आवाज़ में शॉर्ट भी हो सकती है अगर हमने सोल्डरिंग साफ नहीं करी तो। हमने दोनों चीज़ें लगा दी, हमने मॉस्फेट भी लगा दिया और पावर आईसी भी लगा दी है। अब हम एक बार पावर लगा के देखते हैं कि बोर्ड हमारा ऑन हुआ कि नहीं। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले में पावर आ गई है ब्रदर 7300। ये एरर 090 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हमने पैडल कनेक्ट नहीं कर रखा, बाकी बोर्ड में पावर आ चुकी है। अगर हम पैडल कनेक्ट कर देंगे तो आपकी पूरी मशीन चल जाएगी। Thanks for watching this video.